नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दोस्तों, गूगल ने डॉक्टर गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी का 100वां जन्मदिन कुछ इस तरह से बनाया। गूगल ने शीर्षक से डूडल बनाया है। डॉक्टर गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी नेत्र चिकित्सक थे। उन्होंने लाखों की जिंदगी में रोशनी फैलाई थी। तमिलनाडु के वडामल्लमपुरम में 1 अक्टूबर 1918 को जन्मे डॉक्टर गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी ने देश में अंधेपन से जूझ रहे लोगों की आंखों को रोशनी देकर उनकी जिंदगी में उजाला भरा। गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी के 100वें जन्मदिन पर गूगल डूडल बनाया है। चेन्नई के स्टैनली मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेने के बाद डॉक्टर गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी ने नेत्र विज्ञान की पढ़ाई की और आंखों की रोशनी गंवा रहे लोगों की जिंदगी में प्रकाश डाला। 85 साल की उम्र में 7 जुलाई 2006 को गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी ने दुनिया से अलविदा कह दिया। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी ने 1,00,000 से ज्यादा आंखों की सर्जरी कर दृष्टिहीनों को जीने की वजह दी। डॉक्टर गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी अरविंद आई हॉस्पिटल के संस्थापक भी हैं, जो आंखों के इलाज का दुनिया में सबसे बड़ा अस्पताल है और अस्पतालों के नेटवर्क के तौर पर पहचाना जाता है। डॉक्टर गोविंद अप्पा वेंकटेश्वामी को कम लागत में आंखों के उच्च स्तरीय इलाज के लिए लोकप्रियता हासिल है। अरविंद आई केयर सिस्टम में अभी तक 5.5 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है और 68 लाख सर्जरी की जा चुकी हैं।